अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर राना मोहम्मद अवेस। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस विनसीसी एचएमआई पे हम लोग टैक्स किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो मैं टीआईए पोर्टल मेरे पास यहाँ पर ओपन है, मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। एचएमआई टैक्स हमें नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाके कॉन्फिगर डिवाइस कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पीएलसी ऐड कर लेता हूँ कंट्रोलर से। मैं यहाँ से अपना पीएलसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेल फंडेड मैं पीएलसी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर कोई भी पीएलसी सेलेक्ट कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन वर्जन, टीआईए पोर्टल मेरे पास वर्जन 14 है तो उस पर 1200 की वर्जन 4.2 पे सिमुलेशन होती है। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास यहाँ पर विंडो ओपन हो गई है, प्रोजेक्ट ट्री मेरे पास ओपन हो गया है। मैं यहाँ पर एच एम आई ऐड करने से पहले एक बेसिक प्रोग्राम बना लेता हूँ। जिसमें मैं यहाँ पर एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ और एक आउटपुट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ स्टार्ट पुश बटन। इसको डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्लोबल मेमोरी M0.0 और यहाँ पे मैं इसको आउटपुट कह देता हूँ और इसको यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ ग्लोबल आउटपुट Q0.0। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअल आउटपुट लिया है, पर यहाँ पर मैंने एक्चुअल या फिज़िकल इनपुट जो I0 की बिट्स होती हैं वो यहाँ पर नहीं लिए हैं, क्योंकि HMI से जब हम लोग इनपुट देते हैं तो हम लोग ये मेमोरी बिट्स यूज़ करते हैं जो कि M की फॉर्म में होती हैं सीमेंस PLCs में। तो अब यहाँ पर मेरे पास PLC टेबल, PLC टैग्स यहाँ पर टैग टेबल में ये जनरेट हो गए। अब मैंने यहाँ से HMI लेनी है से HMI ले लेता हूँ वर्जन 14 की, जो कि इस पे सिमुलेट हो जाती है। मैं यहाँ से PLC सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी चीज़ें मैंने आगे पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस की थी तो फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। सिंपली मेरे पास एक स्क्रीन ऑलरेडी आ रही है, सिस्टम स्क्रीन की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं ये हटा देता हूँ। और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास यहाँ पर HMI आ गई है, HMI की टैग टेबल यहाँ पर आ रही है। तो अब जो PLC के मैंने टैग्स बनाए यहाँ पर, वो PLC के टैग्स PLC की डिवाइस के लिए हैं और अच्छी अप्रोच यही होती है कि HMI के लिए मैं उसके टैग्स यहाँ पर अलग बनाऊँ जिसको मैं इन टैग्स के साथ कनेक्ट कर दूँ। और क्योंकि हम लोग दो डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं तो दो डिफरेंट टैग्स यहाँ पर बनेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर बेहतर होगा। तो यहाँ पर मैं सब पहले कनेक्शंस में जाके चेक भी कर लेता हूँ, मेरा PLC और HMI यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्टेड है प्रोफिनेट के थ्रू। तो यहाँ पर मैं टैग दे देता हूँ लेट से HMI के लिए स्टार्ट कह देता हूँ मैं इसको। कनेक्शन मेरे पास यहाँ पर, अगर समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से S7 to 1200। तो यहाँ पर S7 to 1200 कनेक्शन है हमारा। PLC का टैग मैं यहाँ पे अब सेलेक्ट करूँगा, PLC के टैग्स में जाऊँगा डिफ़ॉल्ट टैग टेबल और मैं स्टार्ट पुश बटन यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। दूसरा मैं लूँगा यहाँ पर HMI आउटपुट, वहाँ पे वो PLC का था, इसको मैं HMI आउटपुट कह देता हूँ और ये PLC का आउटपुट मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो स्टार्ट है, अब ये HMI पे जो हम लोग बटन लेंगे उसको जब प्रेस करेंगे तो वो PLC के बटन से कनेक्टेड होगा और जैसे ही वो बटन प्रेस होगा तो लॉजिक ये बनाइए कि आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर टैग्स हैं जो PLC और HMI को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं।
अगली एक्सरसाइज में हम इसको ऑपरेट करके चेक करेंगे। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स अवेल कीजिए।